अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या होती है और फाइवर में इसका क्या यूज़ होता है। तो बेसिकली SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑब्वियसली बात है, हम क्योंकि एक नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस पर काम कर रहे हैं और वहाँ पे क्या होता है कि बायर आता है और उसके बाद वहाँ पे एक सर्च इंजन मौजूद होता है जिसके ऊपर बायर अपनी स्पेसिफिक क्वेरी लिखता है। लेट्स से उसे एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए तो वो उस सर्च इंजन के अंदर लिखेगा ग्राफिक डिज़ाइनर और उसके सामने बहुत सारी जो है सर्विसेज उसके सामने नज़र आ जाएंगी। अब वहाँ पे कुछ सर्विसेज बिल्कुल टॉप पे आएंगी, कुछ नीचे आएंगी, उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद नीचे आएंगी। अब जो सबसे टॉप पे आ रही हैं, ऑब्वियसली बात है उन जो टॉप पे सर्विसेज आ रही हैं उन पे ज़्यादा बायर्स आएंगे। ज़्यादा बायर्स का मतलब ये है कि आपके पास ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, आपके चांसेस ज़्यादा होंगे हायर होने के, राइट। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपने सर्विस को सर्च इंजन के अंदर ऑप्टिमाइज करना है ताकि बायर कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करे तो उसके अगेंस्ट हमारी सर्विस सबसे टॉप पे आनी चाहिए। टॉप पे आने का मकसद कि ज़्यादा बायर हम तक रीच करेंगे और ज़्यादा बायर हम तक कांटेक्ट करेंगे और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए मज़ीद इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर चल के। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और लास्ट टाइम हमने ये फाइल सेटअप की थी। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइवर के ऊपर, राइट, इसके मेन पेज के ऊपर। और यहाँ पे देखें, लेट्स से मैं अपने आप को एक बायर अज्यूम करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ। लेट्स से मुझे वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, वर्डप्रेस डिज़ाइनर, मान ली डिज़ाइनर चाहिए मुझे वर्डप्रेस का। तो मैंने सर्च किया, एक बायर भी इसी तरह से आता है और सर्च करता है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखें, टॉप पे हमारे पास कुछ सर्विसेज आ रही हैं, इसी तरह फिर यहाँ पे कुछ सर्विसेज आ रही हैं और यहाँ पे देखें फाइवर चॉइस है हमारे पास, यहाँ पे फिर अगेन कुछ सर्विसेज आ रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा आप नोट कीजिएगा कि इस बंदे के पास 1000 ऑर्डर्स हैं, इस बंदे ने 1000 ऑर्डर्स कंप्लीट किया हुआ है और इस बंदे ने 7 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, इस बंदे ने 12 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, लेकिन ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये जो जिसकी भी ये प्रोफाइल है उसने अपने इस गिग को इस कीवर्ड के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज किया है ताकि जब भी कोई बायर ये सर्च करे तो आपके जो गिग है वो ऊपर आने के उसके चांसेस ज़्यादा हों। अब ऑब्वियसली बात है, एक बायर जिसको भी सर्विस चाहिए होगी वो आके सर्च करेगा, वो एंड के अंदर जाके यहाँ से तो बंदा नहीं उठाएगा ना, ठीक है। बहुत ही, अगर 100 बंदे अगर इस तरह से सर्च करेंगे तो कोई एक दो यहाँ नीचे आके देखेगा कि अच्छा ये क्या सर्विस ऑफर कर रहा है, ये क्या सर्विस ऑफर कर रहा है, ये सेकंड पेज के ऊपर जाएगा। तो हमारा मेन गोल यही होता है कि हम फर्स्ट पेज के ऊपर आएँ और फर्स्ट पेज के ऊपर जितना हो सके ऊपर अपने गिग को रैंक करवाएं, राइट। तो आई होप आपको बेसिक समझ आ गई होगी कि सर्च इंजन के लिए, ये बेसिकली एक सर्च इंजन है हमारे पास, इसके लिए हमें अपनी सर्विस को ऑप्टिमाइज करना है ताकि हमारा जो गिग है वो टॉप के ऊपर है। अब वो करेंगे किस तरह से ये हम आगे लेक्चर्स में अंदर देखेंगे और उसके लिए हमारे पास, मैं आपको बेसिक सा बता दूं कि हमारे पास बेसिक टेक्टिक्स हैं कि हमें कीवर्ड रिसर्च करना पड़ती है, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा बायर कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं फाइवर के ऊपर और फिर उस कीवर्ड को हमने किस तरह से निकालना है, किस तरह से उसको उसके उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर गिग बनाना है। तो आगे के लेक्चर्स के अंदर हम ये बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है फाइवर के लिए। बेसिक सा मैंने एक्सप्लेन किया आपको, आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर नहीं समझ आई तो कमेंट कर सकते हैं, मैं मज़ीद आपको गाइड करूँगा। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।